ठीक है तो फिर भाता ही खाओगी, बढ़िया सा डुबुक बन रहे। हेलो दोस्तों, जय माता दी, कैसे हैं आप सब? आज है संडे। अरे चाय गिर गई थी, मैं अपने लिए चाय रख। तो आज 20 तारीख है और आज संडे भी है और मैं पी रही हूँ चाय। यहाँ पे सुबह हमने बनाए थे मूली के पराठे, वो खाए। उसके बाद हम थोड़ा कहीं गए थे शॉपिंग करने, थोड़ा सामान सामून लाना था घर का। फिर वहां से आके अब बना रही हूँ, चावल बन गए हैं और ये बना रही हूँ मैं फाड़ा और डुबुक। तो चलो ये आप देख लो, मैं आपको ऐड कर देती हूँ इसे, मतलब बना दिया है मैंने अभी, देखिए यहाँ पे बन रहा है ये। तो इसकी रेसिपी भी मैं डाल रही हूँ, थोड़ा आप लोग भी देख लोगे कि मैंने कैसे बनाया। ठीक है, तब तक मैं पी लेती हूँ चाय और जब तक आप लोग देख लो कि ये दाल कैसे बनती है। उत्तराखंड की फेमस दाल है ये, बहुत बोलते हैं इसको। और पीस के बनाओ तो गढ़वाल में बोलते हैं फाणा, कुमाऊं में बोलते हैं इसको गहतु डुबुक, हमारे वहाँ। अब बाकी जगह क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। ठीक है चलो मैं चाय पीती हूँ, आप लोग देखो तब तक कि मैंने कैसे बनाए। बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है ये, आप लोग भी बना के देखना। कितनी बार पहले भी बना चुकी हूँ मैं और हमें भूख लग रही है इसे देख के। ऐसा लग रहा है फटाफट बन जाए, फटाफट खा ले। भूख भूख जो है ना बढ़ गई है इसकी खुशबू से। ये रहा दोस्तों भंगीर का पैकेट, तो इसकी मैं चटनी बना रही हूँ। मैंने 2 छोटे छोटे से दाने थोड़ा कच्चे से टमाटर के काटे हैं और थोड़ा मैं रख दूंगी धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। ये हैं गांव के लहसुन के पत्ते, ये देखो ये गांव से लाए थे राव जी। देखो ये कितने बड़े बड़े पत्ते हैं ना, और इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इनको भी हम रखेंगे काट के, थोड़ा लहसुन के पत्ते। और अब मैं थोड़ा इसमें ये डाल रही हूँ भंगीर, ये हमारे गांव से आया है, इसकी चटनी बनती है तो इसको भून के भी डालते हैं। आप इनको थोड़ा हल्का सा भून सकते हो, तो मैं कच्चा ही डाल रही हूँ, बिना भूने थोड़ा सा ही डालूँगी बस। तो दोस्तों यहाँ पे चटनी बन, तो ये देखिए चटनी बन के रेडी हो गई है। तो दोस्तों देखिए ये हमारी भंगीर की चटनी बन के रेडी हो गई और बहुत ही टेस्टी और यम्मी हो रही है, तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। तो चलिए ये बन के रेडी है और अब बनाती हूँ मैं गोहत्तू के डुबुक। तो दोस्तों ये है गोहत, ये दाल है हमारे उत्तराखंड की। इससे पथरी, पहले भी आपने कितनी बार मेरे ब्लॉग में देखा होगा, इससे पथरी जो है ठीक हो जाती है। जिससे पथरी की प्रॉब्लम होती है ना, जिनकी पथरी होती है तो वो ये दाल का पानी पीते हैं। तो इसकी अगर हम ऐसे दाल बनाते हैं तो ये गर्म होती है, दाल तो गर्म होती है, तो हमको इसे पीस के बनाना है। हमारे वहाँ बोलते हैं कुमाऊँ में गोहत्तर डुबुक इसको, ठीक है, और गढ़वाल में बोलते हैं फाणा, शायद फाणा ही बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं फाणा। तो उसी जिसमें चटनी बनाई थी उसी मिक्सी में मैं इसे पीस लूँगी। थोड़ा सा अदरक भी डाल देंगे और थोड़ा लहसुन और थोड़ा मिर्च। ये मिर्च मेरे ही, मैंने ही लगाई थी घर में, तो दोस्तों ये पक चुकी है आधी, तो मिर्च भी डाल देंगे इसी में, लहसुन अदरक मिर्च। तो दोस्तों देखिए ये मैंने पीस लिया है और इसमें हमने सब डाल दिया था, अदरक लहसुन। तो चलो अब इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं। मैं लहसुन के पत्ते ऐड कर रही हूँ, तो लहसुन के पत्ते हमारे देखे एकदम, इनको अच्छे से भून देना है। तो ये जल जाते हैं ना जब, इनका कुरकुरापन बहुत ही टेस्टी होता है। और आप जीरा अगर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे, नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि ना टमाटर जल्दी से घुल जाए। तो मसाला हमारा पक चुका है दोस्तों, और हल्दी भी डाल दी थी मैंने इसमें, और अब हम ये दाल ऐड करेंगे। और ये मिक्सी में, ये जार में हम पानी डाल के ना इसको साफ करके ये भी हम ऐड कर देंगे इसी में। तो दोस्तों देखो ये हमारा कुछ इस तरीके का बनता है, इसको बोलते हैं हमारे वहाँ गोहत के डुबुक।
और वहाँ बोलते हैं शायद गढ़वाल में, ये इसको क्या गढ़वाल में फाड़ा बोलते हैं ना इसको, हाँ गढ़वाल में इसको फाड़ा बोलते हैं। दाल को भिगो के ना रखा जाता है रात को, फिर इसे दूसरे दिन पीस के और ऐसे बनाना पड़ता है जैसे कि आपने देखा अभी, और बहुत ही टेस्टी होती है ये। और इसको ऐसे पीस के बनाओगे तो ये ये डुबुक जो होता है ना, दाल ही लगा लो, ये ठंडी होती है शरीर के लिए। अगर आप वैसे दाल बनाओगे बिना पीसे हुए तो वो गर्म होती है बहुत ज़्यादा, जो कि सर्दियों में ही खाई जाती है। गर्मियों में तो फिर वो खैर हर कोई नहीं खा पाता उसको, क्योंकि वो दाल जो है बहुत ही गर्म होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये फाणा जो है बन रहा है, डुबुक फाणा डुबुक। गढ़वाली हैं तो फाणा बोल सकते हैं, कुमाऊनी हैं तो डुबुक बोल सकते हैं, और बाकी लोग इसको दाल ही बोल सकते हैं, पिसी हुई दाल। और अब ये थोड़ा इसमें हमको इसे अच्छे से पकाना है, जब इसमें खूब सारा बॉईल आएगा तो फिर इसमें हम धनिया डाल के लहसुन का फिर से तड़का लगा के फिर देखो, आहा बहुत ही स्वादिष्ट। ये उत्तराखंड की फेमस डिश है। तो भाई दोस्तों, ये रही हमारी दाल फाणा, गढ़वाल में फाणा बोलते हैं, फिर हमारे वहाँ डुबुक, मैंने कितनी बार बता दिया है। और यह है भंगीर की चटनी, देखिए बहुत ही टेस्टी हो रही है। चलो भाई ये लो प्याज, ले लो सैलिड, चटनी मुझे भी दे दो। तो दोस्तों चलो खाना खा लेते हैं, और मेरी तो अभी तक चाय भी ख़त्म नहीं हुई है, और आज तो गांव की चीज़ें ही हम खा रहे हैं, बस चटनी भी गांव की और दाल भी गांव की, बस इतनी स्वादिष्ट हो रही है ना, भूख बढ़ गई है। फटाफट खाते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। ये लो भंगीरा चटनी, गहतू दाव गहतू डुबुक, भंगीरा चटन बने रह रे दगड़ियो, गहतू डुबुक बने रही, आ जाओ रे। आ क्या तू कोई असला गाना ले या असला बधाई रहे हो, वीडियो में बताओ, खा के देखो। मेरे हाँ हाँ तो बहुत स्वादिष्ट हो रही है, याद बहुत है ज्यादा। पहले तुम्हारे खा लेते सबूत। हैं। देखो अभी आप लोग देख रहे थे ना उत्तराखंड की, बहुत दिन से दो तीन वीडियो देख लिया आप लोगों ने, है ना। उत्तराखंड के तो मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, मैंने सोचा अभी बहुत कुछ बना के लाए हैं राहुल जी, लेकिन मैंने कहा आज ब्लॉग बनाती हूँ, फिर लोग बोलते हैं कि ब्लॉगिंग आप अपने घर की ब्लॉगिंग करो, है ना। तो अभी शाम के 6:30 हुए हैं, चाय पी रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ आज हमने गांव की ही चीज़ खाई है, क्योंकि अभी राहुल जी गांव गए थे ना वोट देने के लिए। तो वहाँ से हमारे वहाँ रामनगर है एक बड़ी मार्केट, और तो वहाँ से लाए थे उत्तराखंड की चीज़ है। अब ये देखो ये है, इनको बोलते हैं गट, ये मीठे होते हैं खाने में, देना है मीठे होते हैं, और ये हमारे उत्तराखंड में ही मिलते हैं, यहाँ भी मिल जाएंगे, पर ये हैं वहीं की चीज़ है। जैसी चीज़ वहाँ मिलेगी ना तुम्हें वैसी कहीं नहीं मिलेगी। तो एक पैकेट ये ला रखे हैं, ये कितने का है पैकेट, इनको बोलते हैं गट। देखिए ऐसे जैसे कपूर नहीं होते वैसे एकदम वाइट, ये देखो तो ये मीठे होते हैं, इनको बोलते हैं गट। पहले इनको बहुत खाते थे, तो आजकल ले लो। तो जब भी हम लोग उत्तराखंड जाते हैं तो उत्तराखंड की चीज़ें ज़रूर लाते हैं, क्योंकि अपने वहाँ की चीज़ हर किसी को पसंद होती है ना। तो ये तो हो गए गांठ, और ये हो गए कुंज, ये पैकेट हमने खोल दिया था। ये देखिए ये कुंज होते हैं, गांव में चाय के साथ खाते थे इनको, जैसे गुड़ की चाय, जैसे गुड़ खाते हैं वैसे चाय बनानी ठहरी, फिर ये कुंज खाते थे साथ में। ये देखो इस टाइप के होते हैं, ये देखो इनकी बनावट ऐसी होती है, चीनी के होते हैं कुछ। चीनी के, ये तो चीनी के होते होंगे, मीठे हैं तो
मतलब जो ये गांठ है इनका स्वाद अलग है, ये थोड़ा अलग होते हैं और ये कुंज जो है अलग होते हैं, ठीक है। इनको कुंज बोलते हैं और इनको गांठ बोलते हैं, ये इस टाइप के होते हैं देखिए, और इनको कुंज बोलते हैं। तो ये दो चीज लाए थे, ये फेमस है हमारे उत्तराखंड में, कुंज हर कोई लाता है जब भी गांव जाते हैं। और बाल मिठाई लाए थे एक डब्बा, वो हमने बांट दिया कुछ ऑफिस में, कुछ अपनी काम वाली को मम्मी की, कुछ हमने खा लिए। तो बाल मिठाई आपको पता होगा, उत्तराखंड की बाल मिठाई फेमस है। और ये है गुड़, ये 1 किलो का होता है, ये शायद 1 किलो होगा ना ये। तो हमारे वहाँ ऐसी ऐसा गुड़ होता है, टुकड़े टुकड़े वाला नहीं मिलता, ऐसी भेली बोलते हैं इसको। तो हमारे वहाँ पूरी की पूरी भेली लाते हैं ऐसे गुड़ की, और ये गुड़ भी बहुत अलग होता है। ये देखिए, ये इतना लसलसा सा और बहुत ही टेस्टी होता है ये। मतलब यहाँ के गुड़ में और वहाँ के गुड़ में भी फर्क है, अलग अलग स्वाद होता है। और पूरे ऐसे टुकड़े टुकड़े नहीं होते हमारे वहाँ, ऐसे ही इसे लाते हैं फिर टुकड़े करके घर में रखते हैं, फिर खाते हैं चाय के साथ या हलवा अगर जो भी आपको बनाना हो। तो ये गुड़ है उत्तराखंड का। और ये जक्खी है, एक पैकेट ये ला रखे हैं राहुल जी जक्खी। इसको उसमें डालते हैं जीरे की तरह, जीरा जैसे हम तड़का लगाते हैं वैसे ही आलू की सब्ज़ी में, और या कद्दू की सब्ज़ी में, सीताफल की सब्ज़ी में, अरबी की सब्ज़ी में खासकर ये बहुत टेस्टी होता है इसका तड़का। और ये है भट, काले भट दाल होती है ये काली है, 1-1 किलो के हैं शायद ये पैकेट ना, 1 किलो है ये पूरा। और ये 1/2 किलो का है, ये तुअर दाल साबूत। और ये है गोहत जो आज मैंने बनाई थी ना उसके, तो ये वो है, ये हमारे गांव की दालें हैं। और ये दालें बहुत टेस्टी भी होती हैं, इनमें ताकत भी होती है। और ये है भांग के बीज, ये जो भांग होता है ना उसकी बीज हैं, इनकी चटनी बनती है। आज मैंने उसकी भी चटनी बनाई थी ना, छोटे दाने थे उसके, भंगीर बोलते हैं उसके। और ये देखो, पहले ज़माने में क्या होता था, जब हम गांव जाते थे ना तो हमको ऐसे लोग देते थे कि दिल्ली से आए हैं, थोड़ा थोड़ा दाल वगैरह दे दो इनको। अब नहीं देते गांव में भी, अब सब अब बिजनेस हो गया, क्योंकि भाई सबको पता है कि ये दालें बहुत महंगी महंगी जाते हैं, तो लोग बेचते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत तो दे भी देंगे लेकिन उतनी नहीं मिलती है। तो ये सब दाल वगैरह लाए हैं राहुल जी, अब कम देते हैं लोग, क्योंकि सबको पता हो गया है ना कि ये बहुत महंगी जाती हैं, तो भाई अपना बेच के थोड़ा पैसा कमा लेंगे। देखिए ये भट, जो मैं भट की चुटकियाँी बनाती हूँ कितनी बार, वो है ये हमारे उत्तराखंड के भट हैं, बनाऊँगी अब इनकी भी। ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं पता है, ये ना भट ज़्यादातर तो ऐसे सर्दियों में ही खाने चाहिए ये, सर्दियों में, क्योंकि गर्मी में हर किसी को सूट नहीं होता है, क्योंकि गर्म होते हैं ये बहुत ज़्यादा। और ये वाली दाल भी गर्म होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये पत्थरी भी काटती है, ये ठंडी होती है तुअर दाल, ठीक है। तो चलो ये सब चीज़ें ही था फिर, और अभी चाय पीती हूँ, फिर आज देखते हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं चिकन बनाएं, बहुत दिनों से हमने नहीं खाया चिकन विकन, कम कर दिया अब, बहुत ही कम खाते हैं, लेकिन आज सोच रहे हैं, ठीक है। और अभी मेरे बर्तन हो रहे हैं बहुत सारे, कपड़े भी धोए हैं आज सुबह, मूली के पराठे बनाए और कपड़े धोए थे, तो वहाँ ढेर लगा रखे, अभी तय नहीं करी है। चलो चाय पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए, फिर आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं बर्तन, अभी बर्तन धोऊंगी। और दोस्तों ये हैं कपड़े, यहाँ पे मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी, ये देखो कपड़े हैं, इनकी तई लगानी है, प्रेस करने वाले प्रेस करने को रखने हैं, बाकी जो वैसे हैं गर्म अगर वो अलग अलग सब अलग अलग। तो चलो भाई दोस्तों, अभी 7:30 होने वाले हैं, चाय भी पी ली है, आपको सामान भी दिखा दिया। मुझे लग रहा ना ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, पता बड़े बड़े ब्लॉग जाने में बड़ी परेशानी करते हैं, लैपटॉप में दिक्कत होती है, नेट भी इतना वो नहीं होता। तो परसों कपड़े धोए थे, कल नहीं धोए, बस ये आज के कपड़े हैं सुबह, ये आज कपड़े धोए थे, तो इनकी तई लगाऊंगी। पहले मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, दिन का खाना खा के ना थोड़ा रेस्ट किया था, थक गई थी मैं आज, सुबह से टाइम नहीं मिला, तो वो करूँगी। और उसके बाद देखो आपको दिखाती हूँ, ये है लहसुन, ये देखिए इतना सारा लहसुन ना, ये
ये निकाल के छिलका इनका निकाल के साफ करके रखा है, इनका पेस्ट बनाना है मुझे। और अदरक का भी, अदरक भी मैं साफ करूंगी। साफ ही करके रखा है मैंने 2-3 दिन से, तो टाइम नहीं मिला। मैं ऐसे ही करती हूँ, अब मैं इसका पेस्ट बना के रख देती हूँ ना इकट्ठा एक ही बार में। अदरक का अलग, लहसुन का अलग। ये है अदरक, देखो थोड़ा और है इधर बाहर का। हाँ क्या, यही है नीचे ड्रॉज में। तो इनको, ये अदरक को बाहर का इनका खुरस के ना धो के अच्छे से इसका भी पेस्ट बनाऊंगी मैं। और कल मेरी बेटी का फर्स्ट दिन है कॉलेज का, मेरे टीनू का कॉलेज खुल गए हैं अब। अभी तक तो ऑनलाइन हो रही थी पढ़ाई, तो अब कल सुबह जल्दी उठना है। बहुत दूर है इसका कॉलेज जहाँ हम रहते हैं वहाँ से, तो 5 बजे उठना पड़ेगा, 5:30। मुझे तो और भी जल्दी, लंच भी तो बनाऊंगी। 4 बजे उठना पड़ेगा और चली जाएगी तो 6 बजे जाएगी, पापा जाएंगे वहाँ तक छोड़ने के लिए। 7 बजे जाऊंगी। तो चलो दोस्तों, मुझे लग रहा है अगर हम चिकन लाते हैं और अभी यह अदरक अदरक का पेस्ट बनाना है, तो मैं ये क्या शेयर करूँ। मुझे लग रहा है ये सब रहने देती हूँ अभी, और फटाफट से मैं पीस लूँगी। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी होगी ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर ब्लॉग बनाऊँगी, ठीक है, अच्छा सा जब मन करता तो बनाती हूँ। और अभी गांव के डाले थे तो इसलिए नहीं बनाया। तो अब ब्लॉग को एंड करते हैं और कल के ब्लॉग में मिलती हूँ आपको।